टोहाना के लघु सचिवालय में दर्जनों अभिभावक इकट्ठे हुए और अपनी मांगों के समर्थन में एक मांग पत्र उपमंडल अधिकारी को सौंपा। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम लिखा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में अभिभावक संघ के सदस्यों ने लिखा कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान रोजगार ठप रहे हैं, जिसके कारण हजारों लाखों अभिभावक बच्चों की फीस भरने में असमर्थ हैं। साथ ही इस अवधि में स्कूल भी बंद रहे, कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, ऐसे में किसी बच्चे की कक्षाएं नहीं चली। हाँ, खाना पूर्ति के लिए कुछ स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गईं, जिसका मकसद बच्चों को पढ़ाना नहीं बल्कि इसके नाम पर मोटी फीस वसूल करना है। वहीं ऑनलाइन शिक्षा की वजह से आधे से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित भी रहे, क्योंकि बच्चों के पास आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण संसाधन का अभाव था। इस दौरान बच्चों ने आंखों की परेशानी, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, एंजाइटी जैसी परेशानियां भी सही। उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपने आए अभिभावक संघ से धीरज गाभा व मुकेश ने बताया कि उन्होंने अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजा है। कोरोना के समय में जहां आर्थिक कामकाज ठप रहे, सभी वर्ग इससे प्रभावित रहे, ऐसे में बच्चों के स्कूल की फीस भरना अभिभावकों के बस की बात नहीं है। तो यहां एसडीएम साहब को हमने मुख्यमंत्री के नाम एक मेमोरेंडम दिए कि कोविड-19 के बाद जो समस्याएं अभिभावकों के साथ आई हैं स्कूलों को लेकर, फीसों को लेकर और प्राइवेट ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, नाम काटे जाने को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर लोगों की, उसके लिए हम आए कि ताकि ना तो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो इस बिना पैसे, क्योंकि आज तंगी सबके साथ आ रही है और इसमें लॉकडाउन के बाद हालात काफ़ी बिगड़े हैं और ख़ास तौर से लोअर मिडिल क्लास के लिए तो ज़्यादा, क्योंकि जो अपने से ज़्यादा कमाई कम करते थे फिर भी पेट काट कर बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते थे, आज उनके लिए सबसे ज़्यादा समस्या है कि कमाई के साधन कम हो। मैंने एसडीएम से मांग की है कि अपने पड़ोसी राज्य गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, मणिपुर हो गया, इन सब की स्टेटमेंट है कि जब स्कूल खुलेंगे तब से फीस ले, तो हम यही चाहते हैं कि हरियाणा सरकार भी अभिभावकों को राहत दे, जिस दिन से स्कूल खुलेंगे उस दिन से फीस ले, तब तक के लिए फीस माफ़ करी जाए। जब हमारे बच्चे स्कूल में गए ही नहीं, एडमिशन लिया ही नहीं, तो फीस किस बात की दें हम? ये बच्चों पर नजायज़ तौर पर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है, ना तो सरकार द्वारा किसी अभिभावक को किसी तरह की कोई सहायता दी जा रही है, जबकि अभिभावक नौकरी पेशा भी हैं, वकील भी हैं। अभी हमारे वकील भाइयों ने भी लिखा है कि प्रधानमंत्री जी हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, हमारे लिए भी पैकेज दिया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार व प्रशासन इस बारे में गंभीरता पूर्वक सोच कर क्या निर्णय लेता है। सुशील सिंगला की रिपोर्ट।